Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ धमाका कॉम्बो. अगर एक कॉम्बो आता है देन सामने वाले के बाम्बो लगा सकता है. यस मेरा भाई, एक ऐसा कॉम्बो जो सामने वाले के लिटरली बाम्बू लगा सकता है और बाम्बू उखाड़ भी सकता है. द कॉम्बो ऑफ एक्शन किंग डायरेक्टर रोहित शेट्टी एंड द मेगा स्टार सलमान खान. वेल फ्रेंड्स, ये रूमर आज से 3 महीने पहले भी उठा था और मैंने ही इसको बुझाया था. किस तरह से किक टू के लिए स्नरियाड वाला ने रोहित शेट्टी को अप्रोच किया था एंड सलमान खान विल डू द फिल्म, ऐसे एक रूमर आया था. लेकिन मैंने क्लियर किया, उसके बाद पूरे मीडिया में ये रूमर क्लियर हो गया कि नहीं, ये दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं. 2 दिन पहले एक और रूमर आया, सलमान खान एंड रोहित शेट्टी कमिंग टुगेदर फॉर अ बम्बास्टिक फिल्म. सलमान खान की खासियत यही है कि जो वो चाहेगा वो होगा. सलमान खान कौन सी फिल्म करने वाला है, नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपको एक ही आदमी बता सकता है, सलमान खान खुद. इसीलिए बाकी लोगों से पूछना बेकार है कि वो कौन सी फिल्म करने वाला है, कौन सी नहीं करने वाला है. एंड एस्पेशली अब जब भारत के प्रमोशंस चल रहे हैं, सलमान खान इज ऑन हिज टोज एंड इज आंसरिंग एवरी क्वेश्चन ऑन हिज फेस. क्या रोहित शेट्टी एंड सलमान खान काम करने वाले हैं या नहीं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? सलमान खान हैज एन आंसर फॉर ऑल ऑफ अस. सलमान खान को पूछा गया, एक रूमर है कि क्या आप रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हो. सलमान खान ने खुला खुला कहा, क्यों एक रूमर है ये, हाँ इसको रूमर बनाने की क्या जरूरत है? रोहित और मैं, हम दोनों ने बात कर लिया है साथ में काम करने के लिए. यस फ्रेंड्स, सलमान खान एंड रोहित शेट्टी हैव डिस्कस्ड वर्किंग टुगेदर, विच इज अ ह्यूज न्यूज ऑफ टुडे कि रोहित शेट्टी एंड सलमान खान ने आपस में बातचीत कर ली है काम करने के लिए. क्योंकि सलमान खान ने ऑब्वियसली एंड हमेशा उनके करियर के स्टार्टिंग से बात को इम्प्लीमेंट किया है अपने करियर में, कभी भी किसी भी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से या एक्टर से दुश्मनी नहीं रखो, क्योंकि वो तुम्हारे किसी ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद हो. उन्होंने संजय लीला भंसाली के इंटरव्यू में भी, मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि उन्होंने कहा था कि डिस्पाइट संजय वर्किंग विद अदर एक्टर्स, माई इक्वेशन विद संजय लीला भंसाली हैज नॉट चेंज. यानी कि संजय लीला भंसाली इतने सालों से दूसरे एक्टर्स लोग के साथ काम करे, लेकिन उनकी इक्वेशन और मेरी इक्वेशन में आज तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं. और गाइस, उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज नथिंग डेफिनेट येट, अभी तक कोई पक्का पानी नहीं है. इफ आर टॉक्स मटीरियलाइज, यानी कि अगर हमारी बातचीत में कुछ अंजाम हुआ, कुछ अंजाम आया, देन यू विल हियर अबाउट इट, आप उसके बारे में जरूर सुनोगे. सो गाइज, सलमान खान एंड रोहित शेट्टी हैव मेट, दे हैव टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट. बीच में एक छोटी सी क्लिप आई थी सलमान खान एंड रोहित शेट्टी एक फोटोशूट के दौरान, आई थिंक गोलमाल जूनियर कुछ एक सीरियल आ रहा है उनका, उसके लिए एक फोटोशूट हुआ था जो मीडिया में इतना बाहर नहीं आया, जो आने वाले दिनों में आएगा. और फ्रेंड्स, रोहित शेट्टी ने इससे पहले सलमान खान को बिग बॉस सीजन 8 के कैंपेन के लिए डायरेक्ट कर चुका है. एंड गाइस, अब ये जोड़ी देखने लायक रहेगी. और सलमान खान ने एक और बात कही है कि आई हैव कम अक्रॉस वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. अब मैं जो बोलने वाला, ध्यान से सुनना ठीक है, मैं अभी तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मेरे सामने आई है. ओके, आई मे डू वन ऑफ दोज बिफोर आई स्टार्ट टाइगर 3. ये बात ध्यान में रखना, मैंने पहले ही बोला था, इट्स बिटवीन किक 2 एंड वेटरन, दोनों में से एक. जिसकी लॉटरी लगेगी, अतुल अग्निहोत्री बोलता है कि वेटरन करने वाला है वो, मैं बड़ी पिक्चर बनाऊंगा. यहाँ पे साई नड्डे वाला किक 2 खत्म करने के कगार पर है. ये बात मैंने 1 महीने पहले से आपको बता दिया था. सलमान खान ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कोट की है कि आफ्टर इंशाल्लाह आई मे डू वन ऑफ द 2 बिफोर आई स्टार्ट टाइगर 3. एक्साइटिंग टाइम्स अहेड मेरा भाई, न्यूज इतनी जबरदस्त थी कि मैं कॉपी बनाना पड़ा. ओके, जब भी आप उठो तब देख लेना आराम से न्यूज. ओके, मेरा काम था अब तक ये मैसेज पहुंचाना. ओके गाइस, जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो. रोहित शेट्टी एंड सलमान खान आर मेट एंड डेस्टिन टू कम टुगेदर इन 1 फिल्म, और वो जब होगा धमाका मेरा भाई, फायर वर्क्स. साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, स्टे कूल 1.